नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका बजट 2024। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी इशिका राणा। चलिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि आज आपका बजट आने वाला है। बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सातवीं बार बजट पेश करेंगी। बजट से किसे क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ राहत मिलेगी और महंगाई से क्या राहत मिल सकती है वो भी आपको बताएंगे। और अब की बार क्या इनकम टैक्स में छूट का बढ़ेगा, ये भी आपको जानकारी देंगे। हर किसी को निगाह है, हर किसी को इंतजार है मोदी सरकार के आज आम बजट पर, क्योंकि आपको बता दें मोदी 3.0 का ये पहला बजट है, पूर्ण बजट है, इसीलिए ये अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसकी जानकारी आपको पहुंचाएंगे कि आखिरकार इस बजट में क्या क्या है। तो आज मोदी 3.0 बजट का पेश होने जा रहा है और आपको बता दें कि फरवरी में इंटरिम बजट पेश हुआ था, लेकिन आज का जो बजट है केंद्रीय बजट होने जा रहा है और ये केंद्रीय बजट पेश होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करदाता है, टैक्स पेयर्स है, महिला है, युवा है और जो कृषि क्षेत्र से जुड़े किसान है, उनको इस बजट से खास उम्मीद है। 10 बजे संसद भवन में कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेंगे और आपको बता दें कि यहाँ पर बजट पेश होगा जो कि बेहद ही खास माना जा रहा है। पूरी आज भारत की जनता का जो फोकस है इस बजट पर बना हुआ है। तो सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और बड़ी बात इशिका यह है कि देखिए लगातार सातवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं अपने अपने आप में रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उन्होंने 5 जो है पूर्ण बजट पेश किए, लेकिन एक अंतरिम बजट पेश किया। और आज बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट पेश होने वाला है। बिल्कुल, आज निर्मला सीतारमण एक नया कीर्तिमान रच देंगी और आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होगा और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत की उम्मीद यहां पर बनी हुई है उनकी। बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव भी हो सकता है, रेलवे रक्षा के लिए बजट एलोकेशन भी बढ़ सकता है। साक्षी, बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए यहां पर आपको बता दें इस बजट में कई अहम मुद्दे जो है शामिल किए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे इसमें शामिल होंगे। बड़ी सौगातें आज मिलेगी, हर किसी को इंतजार है। स्वास्थ्य के लिए भी बजट आपको बता दें इसके साथ ही जो है बढ़ सकता है। किसान सम्मान निधि की रकम में बढ़ोतरी भी संभव है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सचिन भैरानी इंदौर से जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ आम जनता की उम्मीद है इस केंद्र बजट से, क्या कुछ राहत की उम्मीद, राहत के क्या कुछ आसार है? फिलहाल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ आम जनता उम्मीद कर रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो मोदी सरकार, जो तीसरी बार मोदी सरकार आई है उसके बाद इस पे बजट की उम्मीद इस बार बढ़ गई है, क्योंकि इस बार किसान हो, महिला हो, युवा हो, सबको बजट से उम्मीद है। क्योंकि कांग्रेस हर बार पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें कई बार हमलावर रही थी, खासकर युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके और किसानों को लेके, लेकिन अब वो इस बजट में उसमें कुछ इस बार नया होने की उम्मीद है। टैक्स पेयर को छूट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वह टैक्स पेयर की जो अवधि है जो 2.5 से 3 लाख की, उसको 5 लाख करने की उम्मीद है। इसके साथ साथ महिलाओं का जो पूरा जो मामला रहा है, क्योंकि महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही हैं कि उसको भी बढ़ावा देने के लिए खर्च बढ़ाया जा सकता है। एमएसएमई पर ध्यान दिया जाएगा, उसको लेकर भी पूरी तैयारी यहाँ पे सामने आ रही है। और खास बात ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो जो देश को जो बढ़ावा देना है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसको उसको लेकर भी कुछ ना कुछ नई चीज सामने आ सकती है। जी बिल्कुल सचिन, देखिए सरकार जो है कहीं ना कहीं देश में 4 जाति में बांटती है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो या फिर गरीब हो, कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत आज इसमें देखी जा सकती है। आप फिलहाल इंदौर में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज कर रहे हैं, ऐसे में आपने भी लोगों को भापा होगा कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है, यहां के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मोदी सरकार इस बार जो है सरकार बनी है एनडीए की, अकेली दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, तो ऐसे में सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौती होगी, ऐसे में आम जनता का क्या सोचना है, क्या नजरिया? आम जनता की जो हमने जो कल जो बात की थी उसमें यही चीज सामने आई थी कि किसानों को लेके और युवाओं को लेके जो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह उस पर सबसे बड़ा फोकस इस बार के जो बजट है उस पर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो महिलाओं को जो आगे बढ़ाने को लेकर जो
लखपति दीदी बनाने की जो उन्होंने योजना लागू की थी कि 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाई जाएंगी, तो उसको लेकर भी महिलाओं का कहना है कि इस बार क्या इस पे फोकस रहता है वह देखना होगा। क्योंकि इस बार का जो बजट है, इसके पहले अगर 5 बजट जो देखें तो वह मोदी सरकार के खुद के बजट थे, उस टाइम एनडीए का इतना रोल था, लेकिन अभी इस बार एनडीए का दबाव भी है उनके ऊपर, और तो उसी तरीके से यह पूरी योजनाओं को लागू करने के लिए उसी तरीके से पूरा इन्होंने बजट तैयार किया है। तो वो देखना होगा, क्योंकि सबके लिए एक सवाल है कि इस बार का बजट कैसा आएगा मोदी सरकार का, क्योंकि पहले खुद के बल पे पूरा जो बीजेपी ने जो पूरी सरकार चलाई है 5 साल वो, और पूरा अपने हिसाब से पूरा बजट बनाया था, इस बार एनडीए के सहयोगी है, तो इसमें देखना होगा कि कहां किसको कैसे किस तरीके से रियायत मिलती है, किस तरीके से मिडिल क्लास को रियायत मिलती है। क्योंकि बिहार हो या बात करें यूपी हो या अन्य छोटे राज्य भी जो हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, तो उसको लेकर भी खासा फोकस रहेगा इस बार। बिल्कुल इंतजार करना होगा, यानी कि थोड़ी ही देर में स्पष्ट भी होगा कि आखिरकार किस तरह से पिटारा खुला है जब वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही भोपाल से हमारे साथ नीलम गुर्बे भी जुड़ चुकी हैं। विनोद आप बताइए, ग्वालियर की जनता का क्या मूड है, क्योंकि आज तो सौगातों का पिटारा खुलने वाला है। मोदी सरकार का ये 3.0 सरकार का ये आज बजट पेश होगा, पूर्ण बजट है इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिरकार आज उनके लिए क्या कुछ देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बजट को लेके ये बात तो लोगों के मन में है कि कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाले निर्णय नहीं हो सकते, क्योंकि ये चुनावी बजट नहीं है और ना ही अगले साल कोई देश में इलेक्शन होने वाला है। देखिए पूरी तरह से सरकार के पास 5 साल का वक्त है और सरकार का जो एक डेवलपमेंट का मैप है उस पे काम करने का प्लान होगा और जाहिर तौर पर उसी को ध्यान में रख के ये बजट होगा। लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, तमाम लोग मेरे साथ हैं, एक डायरेक्टर भी है, प्रोफेसर हैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, मैं उनसे भी बात करता हूं, ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के। सर मैं जानता हूं कि आप जानना चाहता हूं कि आप तो चूंकि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ ऐसी चीज आ सकती है जो शिक्षा जगत में स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेसर्स के लिए या जो लोग कर्मचारी हैं शिक्षा से जुड़े हुए उनके लिए कुछ चौंकाने वाली चीज हो सकती है, होना क्या चाहिए? इस बार का जो बजट है वो बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, और जहां तक क्योंकि मैं शिक्षाविद होने के कारण शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं, तो एक तो हम सभी की इच्छा है कि जो हमारे जो कर्मचारी भाई हैं देश भर के, उनके कर्मचारी भाइयों के इनकम टैक्स का जो स्लैब है यदि उसमें थोड़ी सी उनको राहत मिले तो सारे देश के कर्मचारी भाइयों को खुशी होगी। शिक्षा जगत में हमारे पूरे भारतवर्ष में, चाहे जैसे मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, IIM है, बहुत सारे IIT है, उन सभी में जो छात्र है, हमारा जो इंडिया का जो छात्र है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है और आज की डेट में वो ग्लोबल लेवल पर और इंडिया लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि छात्र छात्राओं के लिए विशेषकर कुछ इस प्रकार का पैकेज आए जिससे कि अच्छा रोजगार मिले। अच्छा रोजगार अच्छा। अब महेश जी से बात कर लेते हैं, महेश जी आप इधर आ गए, ये पत्रकार हैं महेश जी ग्वालियर के। महेश जी आप भी दिन भर फील्ड में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है बजट को लेकर? बजट को लेके ये मन में चल रहा है कि ये सरकार जो मोदी सरकार है जो लेने में ज्यादा भरोसा रखती है देने में कम। जैसे कि देखें कि सीनियर सिटीजन की जो सुविधा थी कि 50% मिलती वो छीन ली, खुद बड़े एरोप्लेनों में घूम रहे हैं, फ्री टिकटों में घूम रहे हैं सांसद विधायक। दूसरा NPS में ये लोगों को कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने, खुद बड़ी बड़ी पेंशन ले रहे, अच्छे अच्छे पेंशन ले रहे हैं, सांसद की भी ले रहे, विधायक की भी ले रहे, पार्षद। इन मुद्दों पे इनको विचार करना चाहिए जिससे लोगों को राहत, कर्मचारी वर्ग को, इनको सबको राहत मिल सके। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन तो अच्छी तरह समझता होगा कि बजट में क्या चाहिए उसे। बिजनेसमैन के लिए अभी तक सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। बिजनेसमैन देश निर्माण में बहुत विशेष योगदान देता है, तो टैक्स रिवेट में जो भी छूट देनी चाहिए, टैक्स में छूट मिलना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो भी बात कर रहे हैं लोग टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स में छूट, इसके अलावा देश में कुछ और नहीं है जो लोगों को चाहिए? मेरा तो एक मानना ही है केवल डीजल पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए और सीनियर सिटीजन की जो रेलवे में जो आपने किया है उसको पुनः वापस करना चाहिए।
सर आप भी बता दिए थोड़ा सा, जरा रिटायर्ड हूँ। चलिए विनोद, आप जानकारी लेते रहिएगा, बातचीत करते रहिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इशिका ये तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की राहत जो है आम जनता चाहती है। नीलम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम देखिए, इंतजार खत्म होने वाला है, थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री ये बजट भी पेश करेंगी, बजट को पढ़ा जाएगा, लेकिन एमपी में किस तरह से हलचल देखी जा रही है और खासकर एमपी को क्या मिलने वाला है इस बजट में, कितनी उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मध्य प्रदेश के मद्देनजर बात करें तो प्रदेश को जो है कई सौगात मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। बीते दिनों जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है उसमें मध्य प्रदेश की अलग अलग योजनाओं को लेकर के तारीफ जैसी बातें भी कही गई है। खास तौर पर अगर हम बात करें जो इंदौर में सीएनजी गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट लगा, उसकी तारीफ की गई है। इसके साथ ही साथ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर के भी कई बिंदु ऐसे किए गए बताए गए हैं। तो ऐसे में जो है जब आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी बेहतर प्रस्तुत हुआ है तो मध्य प्रदेश वासियों को भी अब बजट से और यहाँ पे सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर जाते हुए, और आपको बता दी बस थोड़ी ही देर में बजट को पढ़ा जाएगा, बजट पेश करेंगी लगातार सातवीं बार, कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नजर आएंगी। बिल्कुल, और साक्षी तस्वीर अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और बड़ा पिटारा खोलती हुई नजर आएंगी, और जिस तरीके से अभी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई को लेकर भी इस बजट पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, यही पिटारा है, बिल्कुल यही पिटारा है, और इसको 11 बजे तक निर्मला सीतारमण खोल देंगी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर करदाताओं की बात करें, टैक्स पेयर्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो लगातार हर एक वर्ग को इस बजट से, इस जादुई पिटारे से बेहद ही उम्मीदें यहां पर जुड़ी हुई है। लेकिन देखना होगा साक्षी कि आखिरकार ये बजट जनता की, आम जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खड़ा उतरेगा। बिल्कुल, देखिए साल 2019 की अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पीच के लिए ट्रेडिशनल बजट ब्रीफकेस की जगह वही खाता, जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है, उस तरह से बजट को पेश किया था। दूसरे दस्तावेज एक टैबलेट पे रहते थे, और आज भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बस थोड़ी ही देर में इंतजार जो है खत्म होने वाला है, आखिरकार पता चलेगा कि क्या कुछ सौगात मिलने जा रही है, क्या एमपी के लिए इस बजट में क्या है, क्योंकि लगातार सातवीं बार ये बजट पेश होने जा रहा है। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट है, इसीलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, बजट से आखिरकार सरोकार किस किस को मिलेगा, ये बेहद खास यहाँ पर बना हुआ है। और जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये वीडियो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी ही देर में, यानी कि लगभग 11 बजे बजट को पेश कर देंगी, जादू पिटारे को खोल देंगी, आम जनता की जो उम्मीदें हैं लगातार बढ़ती जा रही है साक्षी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं महिलाओं द्वारा भी ये बात की जा रही है, टैक्स या पर स्लैब की बात की जा रही है महिलाओं द्वारा, कि आखिरकार करदाता को क्या कुछ, स्ट्रक्चर हो या फिर हेल्थ हो या फिर डिफेंस हो, उसमें जो एलोकेशन है इस बार वो बढ़ाने की उम्मीद है ताकि अच्छे अस्पताल मिल सके। लेकिन रोजगार को लेकर के एक बड़ी समस्या रही है, जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 78 लाख रोजगार जो है हर सालाना चाहिए, उसको लेकर के ये रोजगार परक बजट हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो देखिए काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, और ये सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर यही वो पिटारा है जो कि बस थोड़ी ही देर में खुलने वाला है, और पता चलेगा कि आखिरकार इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर किस तरह से फोकस रहता है, मिडिल क्लास पर क्या फोकस किया जा सकता है, कैसे साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है ये भी कहा जा रहा है। तो देखना होगा आखिरकार ये राहत जो है किस तरह से मिलने वाली है। बजट से पहले आपको बता दिए यहां पर काफी उम्मीदें हैं, लेकिन आज वो दिन आ चुका है क्योंकि आज वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली है। बिल्कुल साक्षी, इनकम टैक्स स्लैब की उम्मीदें भी यहां पर लगातार बढ़ी हुई है, और किस तरह से टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी इस बजट में देखना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब निर्मला सीतारमण थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री बजट को पेश कर देंगी, मध्य वर्ग को यहां पर बेहद ही ज्यादा यहां पर उम्मीदें उनकी बनी हुई है कि किस तरह से मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ यहां पर फरमान जारी किए जा सकते हैं, क्या कुछ सौगात दी जा सकती है,
सकती है मिडिल क्लास के लोगों को। और युवाओं की अगर हम बात करें, रोजगार की अगर हम बात करें, किस तरह से रोजगार के क्षेत्र में अब बढ़ावा होगा, तो देखिए ये बड़ी जानकारी है। और बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति भवन जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपेंगी वित्त मंत्री, और साथ ही राष्ट्रपति भवन जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जिस तरीके से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हो चुके और थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसकी कॉपी सौंपेंगी। बिल्कुल। और देखिए, जब भी बजट की बात होती है इशिका, तो कहीं ना कहीं आम लोग इंतजार करते हैं कि आखिरकार उनके लिए है क्या इस बजट में। और खासकर जब एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो ऐसे में आम जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार उनके लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है। लेकिन आज आपको बता दें, ये सस्पेंस जो है खत्म हो जाएगा, बस थोड़ी ही देर में ये इंतजार पूरा होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन जो है पहुंच चुकी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी वित्त मंत्री सौंपेगी, इसके बाद बजट को पेश किया जाएगा। और बिल्कुल हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलम, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टैक्स पेयर्स को यहाँ पर किस तरह की उम्मीदें, यहाँ पर टैक्स पेयर को राहत मिल सकती है, करदाताओं को उम्मीदें किस तरह से यहाँ पर वो लगाए हुए इस बजट से बैठे हुए हैं, और क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा? नीलम, बिल्कुल। देखिए, अगर हम इस बजट की बात करें तो ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया जाना है, यानी कि अगर हम देखें तो करीब 6-6.5 महीने तक का ही ये बजट होगा। ऐसे में बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद आम जनता को मिले ऐसे नहीं कहा जा सकता, पर उम्मीद जो है आम जनता हमेशा ही बजट से, सरकार से लगाकर बैठती है कि अब चुनाव हो चुका है, चुनाव के पहले तमाम तरह के वादे किए गए थे, चुनाव के पहले भी जो एक बजट पेश किया गया था उसमें गति शक्ति योजना की बात की गई थी, रोजगार सृजन की बात कही गई थी, 2047 के विकसित भारत का सपना दिखाया गया था। तो ऐसे में क्या इस बजट में उस सपने की झलकियां देखने को मिलती है या नहीं? पीएम मोदी ने भी यही कहा था कि जो बजट होगा वो अमृत काल का बजट होगा, यानी कि किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित किया जा सकता है, एक स्वर्णिम भारत बनाया जा सकता है, इसे लेकर के जो है इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे। अगर हम बात करें उम्मीदों की, तो टैक्स पेयर को हमेशा से ही जो है बजट से उम्मीद होती है केंद्र सरकार की, कि टैक्स स्लैब से उन्हें कोई राहत मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि कई चीजों के दाम आसमान छूते हैं और सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर, टैक्स पेयर पर पड़ता है, तो उन्हें ही जो है इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा अगर हम महिला वर्ग की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तरह की योजनाएं जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है, जिनमें हम बात करें लखपति दीदी की या ड्रोन दीदी की, तो इस तरह की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को और क्या लाभ केंद्र सरकार दे सकती है, महिलाओं की नजर इस पे है। वही उनकी घर गृहस्थी में जो महंगाई की मार झेल रही है उसे किस तरह से कम किया जा सकता है। महिलाएं यही चाहती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी स्कूली शिक्षा ले, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, पर जिस तरह की पढ़ाई है काफी महंगी है। महिलाएं हमेशा ये शिकायत करती है कि स्कूली शिक्षा का जो पढ़ाई का जो खर्चा है, जो उसमें टैक्स लगता है, उसे थोड़ा कम किया जाए ताकि बच्चे उनके जो है अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा पा सके। इसके अलावा हम युवा वर्ग की बात करते हैं, तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में भी यही बात कही गई है कि अगर जीडीपी ग्रोथ को 7-8% तक रखना है तो उसके लिए 70 लाख से ज्यादा जो है देश में रोजगार पैदा करना होगा, निजी सेक्टर से भी और गवर्नमेंट सेक्टर से भी। ऐसे में युवाओं को सौगात देने के लिए सरकार ने क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, क्या उसकी सौगातें बजट में दी गई है? क्योंकि तमाम तरह की योजनाओं की बात तो हमेशा सरकार की तरफ से की जाती रही है, पर अगर हम देखें तो बीते कुछ महीनों में काफी ज्यादा बेरोजगार को लेकर के युवा आक्रामक नजर आया है, जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली हुई है उसे लेकर के भी युवा वर्ग में काफी ज्यादा शिकायतें हैं। तो क्या इस तरह का कोई प्रावधान यहाँ पर, कोई एक बड़ा बजट युवा वर्ग के लिए रखा जाता है, युवाओं की नजरें जो है इस पर टिकी हुई है? तो तमाम हर एक वर्ग जो कोई आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में जो है योगदान अपना देना चाहता है, उसे इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें, बिल्कुल काफी ज्यादा नीलम उम्मीदें की जा रही है, चाहे युवा हो, महिला हो या फिर किसान हो, हर किसी को इस बजट उम्मीद है। अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। अंकुश, देखिए आज मंगलवार का दिन है और आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या लगता है इस बजट से किस किस का मंगल हो जाएगा आज? बिल्कुल
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से देशवासियों की उम्मीद है उसकी उम्मीदों पर बजट खरा उतरेगा। हालांकि ये हर बार होता है, हर बार लोग उम्मीद लगाते हैं, हर बार आम जनता उम्मीद लगाती है कि इस बार के बजट में शायद उनके लिए कुछ बेहतर होगा। और ऐसा नहीं है कि सभी वर्गों को कुछ न कुछ मिलेगा, हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश होती है सरकार की, और उसी कोशिश में सभी लोग उम्मीद लगाकर बैठते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज स्वाभाविक तौर पर जो टैक्स लैब है उसमें कहीं ना कहीं कटौती की उम्मीद है, और आम जो महंगाई की एकदम से मार पड़ रही है लोगों के ऊपर उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हो सकती है, गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हो सकती है, क्योंकि ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में खासा असर डालती हुई दिखाई देती है। रोजमर्रा की चीज़ों की अगर बात करें तो सब्जियों के दामों में थोड़ा सा कटौती हो सकती है, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि सब्जियों और यह अन्य सामग्रियाँ ऐसे हैं जो मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से उनके दामों में कम या ज़्यादा उनके लिए दाम स्थित होते रहते हैं। पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के लोगों को यही उम्मीद है कि अभी हाल ही में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा हुआ, उस दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी, और उन केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात के दौरान कई तरह की सौगात मिलने की उम्मीद छत्तीसगढ़ की सरकार को यहाँ पर थी, और सरकार के माध्यम से प्रदेश के लोगों को थी। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में रेल कनेक्टिविटी अभी नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रेल कनेक्टिविटी का इंतजार किया जा रहा है, और जैसे ही केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात हुई थी उसके बाद उम्मीद जगी है कि कई ऐसी रेल परियोजनाएं। और देखिए एक और बड़ी जानकारी अंकुश के पास लौटेंगे, लेकिन देखिए बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है, ये बड़ी जानकारी, और सेंसेक्स में 200 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, और ये बड़ी खबर निफ्टी में करीब 50 अंकों का इजाफा, बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है, सेंसेक्स काफी अच्छी बढ़त यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है, और निफ्टी भी काफी अच्छी बढ़त के साथ यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साक्षी बिल्कुल, और देखिए अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि बजट के समय बढ़ते के साथ ही शेयर बाजार भी खुल जाता है, और यही देखने को मिला, सेंसेक्स में 200 अंकों की बढ़त मिली है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए करीब 50 अंकों का इजाफा हुआ है, बढ़त के साथ शेयर बाजार भी खुल चुका है। देखिए बजट पेश होने से पहले सेंसेक्स में 200 अंकों की ये बढ़त होना, आपको बता दें निफ्टी में करीब 50 अंकों का इजाफा हुआ। खबर उसके रोड मैप के तौर पर ये सामने आए, ज्यादा इसमें जो खास पेशा वाले हैं या जो व्यापारी वर्ग हैं वो बहुत ज्यादा इससे खुश हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, बजट आने के बाद बहुत ज्यादा उनको राहत मिल जाएगी, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। हाँ, वहीं वलट आप देखें किसानों के लिए जरूर कुछ नीतिगत और ठोस चीजें इसमें सामने आ सकती हैं, साथ ही जो शहरी के साथ साथ ग्रामीण आवास योजना जो है उसके विस्तार इसमें जरूर किया जाएगा, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थिति पीछे देखी गई है उसकी पुनरावृत्ति बीजेपी नहीं चाहती है, साथ ही आयुष्मान भारत योजना है उसका विस्तार होने जा रहा है, उसमें बुजुर्गों के लिए जो व्यवस्था पहले की गई थी उसका और भी इसमें विस्तार होगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी खुश तो करने की जरूर कोशिश करेगी। तो देखिए निफ्टी में करीब 50 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी लगातार शेयर मार्केट में जारी है, और एक अच्छी शुरुआत के साथ इसकी बढ़त देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर बड़े ऐलान भी संभव माने जा रहे हैं। देखिए बजट से 5 बड़ी उम्मीदें जताई जा रही है, विकास पर मेन फोकस रहने वाला है, पूंजीगत खर्च और बढ़ाना है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग आगे का रोड मैप तैयार होगा कि आखिरकार आगे भारत को विकसित बनाने के लिए किस तरह से कार्य किया जाएगा। साथ ग्वालियर से विनोद भी यहां पर जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के उत्थान की बात करें, यहां पर महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो बजट में इसको लेकर भी खासा फोकस रहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से हम यहां पर यह भी देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम टैक्स चुकाना पड़ता था, उनके लिए राहत थी, लेकिन जब कांग्रेस द्वारा यह नियम पे बदलाव किया गया 2012-2013 के बाद इस नियम को बदल दिया गया, अब महिलाओं को टैक्स से जुड़ी उम्मीदें लगातार उनकी बनी हुई है, इस तरह की राहत भी क्या संभव मानी जा रही है बजट में? मैं पहले अक्सर यही होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं के अधिकार आगे बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं जिन चीजों में महिलाओं के नाम पर छूट मिला करती थी वो कम होती गई। इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये लग रहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं जिनको हम अक्सर कहते हैं कि सरकार लोगों की सेवा भाव से योजनाएं चला रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, या फिर खाद्यान्न सामग्री जैसी तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं, वो तो देखिए एजिटेज रहने वाली हैं, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें कटौती
नहीं कर सकती क्योंकि कटौती करने का बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में सरकार ये चाहती नहीं कि किसी को किसी भी वर्ग को नाराज किया जा सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक मांग ज्यादातर लोग करते हैं कि टैक्स स्लैब में उनको और छूट दी जाए और टैक्स की छूट बढ़ाई जाए, लेकिन ये छूट कितनी सरकार बढ़ाएगी कितना नहीं बढ़ाएगी ये सरकार को तय करना है। इस समय सरकार के सामने दो तीन चुनौतियां हैं जिसको लेके कहीं ना कहीं इस बजट में युवाओं को उम्मीद है। खास बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर विनोद, युवाओं को उम्मीदें हैं यहाँ पर, टैक्स स्लैब को किस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है इस बजट के दौरान, क्या कुछ सौगातों का पिटारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में खोलेंगी, दर्शकों को भी जानकारी देंगे। आप तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।